दोस्तों, सलमान खान ने बदली रानू मंडल की किस्मत। पेट पालने के लिए स्टेशन पर गाना गाती थी, अब बॉलीवुड में मिली पहचान और अब आ रहे हैं बड़े बड़े ऑफर्स। बंगाल के रानाघाट की रहने वाली रानू मंडल आज किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। रेलवे स्टेशन पर गाना गाने वाली रेनू का एक वीडियो कुछ समय पहले वायरल हुआ और वो रातों रात सुपरस्टार बन गई। इसके बाद उनको गाना गाने के लिए कई ऑफर मिले। इसी बीच हिमेश रेशमिया ने उनको अपनी फिल्म में गाना गाने का ऑफर दिया और उनके साथ एक गाना रिकॉर्ड किया। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि रानू की लाइफ चेंज के पीछे सलमान खान का हाथ है। दरअसल सलमान खान ने ही हिमेश रेशमिया को फोन करके रानू को अपनी फिल्म में गाना गाने के लिए कहा। यहाँ तक कि सलमान खान ने रानू को दबंग 3 के रोमांटिक सॉन्ग के लिए भी बुक कर लिया। सलमान इकलौते एक ऐसे स्टार हैं जो जरूरतमंद की हमेशा मदद करते हैं। अचानक मिली कामयाबी के बाद जब रानू से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनकी जिंदगी दुखों से भरी हुई थी। पति के देहांत के बाद उन्हें मुंबई छोड़नी पड़ी। स्टेशन पर गाना गाकर वह अपना पेट पालती थी। रानू बताती है कि ये उनके लिए मौका नहीं बल्कि दूसरा जन्म है। इससे पहले जब वो 20 साल की थी, जब वो एक क्लब के लिए गाना गाती थी, तब लोग उन्हें रानू बॉबी बुलाते थे। इससे वो ठीक ठाक पैसे भी कमा लेती थी, लेकिन उनके घर वालों को ये काम पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने ये सब बंद कर दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रानू मंडल बॉलीवुड में कामयाब होगी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं।